एट स्टैंडर्ड साइंस का हम लोगों ने फर्स्ट टू फाइव लेसन कंप्लीट किया है। हम लोग अभी सेवेंथ लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। सिक्स्थ लेसन को हम लोगों ने रखा है, वो बाद में लेंगे। अभी हम लोग एक सबसे इजी मगर ये लेसन आपको जब टेंथ स्टैंडर्ड में, नाइन्थ स्टैंडर्ड में और उसके बाद भी जब आप कॉलेज में जाओगे अगर साइंस लोगे तो ये वाला जो पार्ट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वो रहेगा। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल बहुत इजी लेसन है मगर इसका कंसेप्ट ठीक से समझ के ले लो क्योंकि बहुत ही आगे जाके ये लेसन बार बार है। ओके, और इसका आगे का जितना भी पार्ट है वो आपको तब सिखाया जाएगा। तो फिलहाल थोड़ा बहुत कंसेप्ट दिया है, सर्टन प्रॉपर्टीज दिया है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल नॉन मेटल का क्या होता है इसके बारे में सब इस लेसन में दिया है। तो देखो क्या है, लेसन का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, अभी ये देखो, ये जो स्केल है वो किससे बना हुआ है, लकड़ी का है। ओके, वुडन यानी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। ओके, या फिर मैटर बोल सकते हैं हम, वो स्मॉल पार्टिकल से बना है। ओके, अभी ये ऑब्जेक्ट जो है, जितने भी ऑब्जेक्ट रहते हैं अपने आजू बाजू में, ओके, उनको अगर हम लोग क्लासिफाई करेंगे तो हम लोग उनको क्लासिफाई कर सकते हैं एलिमेंट है, कंपाउंड है या फिर मिक्सचर। ओके, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, ओके, या फिर जितने भी मटेरियल है उनको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एलिमेंट है, दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कंपाउंड है या फिर बोल सकते हैं मिक्सचर, जो भी मटेरियल है। ओके, द साइंटिस्ट क्लासिफाई ऑल द एलिमेंट्स। ओके, अभी हम लोगों ने देखा है कि जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं या फिर जितने भी मिक्सचर्स बनते हैं, ओके, वो स्मॉल पार्टिकल से बनते हैं। ओके, अभी आप बोलोगे इसमें कौन सा एलिमेंट है, ओके, ये क्या है, वुड है, ओके, लकड़ी है, तो उसमें कार्बन तो होगा ही, क्या होगा, कार्बन। ओके, और उसके साथ और भी कुछ ना कुछ तो रहेगा मगर कार्बन तो रहेगा। ओके, तो साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई जो किया है। ओके, अभी एलिमेंट्स को किस पर एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स यानी क्या, देखो हाइड्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, ओके, ये सब एलिमेंट्स है, क्या है, ये सब एलिमेंट्स। ओके, अभी ये एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है तीन ग्रुप, कौन से तीन ग्रुप में, तो फर्स्ट है मेटल, नेक्स्ट है नॉन मेटल एंड थर्ड है मेटल। ओके, अभी हम लोग इसके ही बारे में सीखने वाले हैं, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटल क्या होता है। अभी मेटल एंड नॉन मेटल एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। ओके, जो मेटल का प्रॉपर्टी रहता है उसके अपोजिट नॉन मेटल है। ओके, तो आपको यहाँ पे पता लगेगा कि मेटल एंड नॉन मेटल आपको डिस्टिंग्विश में आएगा ही क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टी अपोजिट रहता है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग जो सीखेंगे एलिमेंट को क्लासिफाई किया है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल है, तो हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे मेटल से। देखो अभी हमारे आजू बाजू में बहुत सारे मेटल्स होते हैं। ओके, नॉर्मली देखो आयरन यानी लोखंड, कॉपर, कॉपर का वायर, ओके, या फिर गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का यूटेंसिल हम लोग यूज करते हैं, अभी ज्यादा एल्युमिनियम का यूटेंसिल हम लोग नहीं यूज करते। ओके, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लैटिनम, ये सब मेटल्स है, ये सब क्या है, मेटल्स। ओके, मेटल्स, अभी मेटल आप देखोगे तो गोल्ड, सिल्वर, ये जब आप मेटल देखते हो, कॉपर, कॉपर वायर जो पॉलिश किया हुआ है वो देखो वो शाइन होता है, ये मेटल्स क्या होते हैं, शाइन, शाइन होते हैं ना, उसमें लस्टर रहता है, क्या रहता है, लस्टर, अपन जरा मराठी चकाकी असं म्हणतो। ओके, क्या रहता है, शाइन, शाइन यानी क्या, लस्टर, देखो आपके टेक्स्ट बुक में वर्ड यूज हुआ रहेगा लस्टर, लस्टर यानी शाइन। ओके, द मेटल्स आर हार्ड, आप देखोगे लोखंड देखो, ओके, हार्ड है, एल्युमिनियम देखो हार्ड है, ओके, इजीली ब्रेक होगा क्या, नहीं ब्रेक होगा, तो वो हार्ड रहते हैं, या फिर हम आप देख सकते हो मेटल्स का वायर रहता है, क्या रहता है, मेटल्स का, कॉपर का वायर देखा होगा आप लोगों ने। ओके, जब हम लोग गहने बनाते हैं, ज्वेलरीज बनाते हैं तो गोल्ड का वायर रहता है, प्लैटिनम का वायर रहता है, सिल्वर का वायर बनाते हैं। ओके, ज्वेलरीज में भी ये यूज होता है एंड शीट्स, शीट्स भी रहता है। देखो हम लोग जब घर के ऊपर जब सर्टन छत डालते हैं, ओके, तो कभी कभी मेटल का शीट्स डालते हैं जिसको हम लोग पतरा बोलते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो यूटेंसिल बनाते हैं उसको एक पतरा लगता है। ओके, तो उसको शीट यानी फाइन, ओके, फाइन हम लोग बोल सकते हैं कि एक शीट जिसको हम लोग जे कहां से बनाते हैं, हम लोग मेटल से ही बना सकते हैं। ओके, मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप देखोगे तो मेटल क्या करता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है, ओके,
वायर, वायर में कौन सा वायर रहता है? कॉपर वायर, ओके, वो मेटल है, इलेक्ट्रिसिटी लेके जाता है, हीट भी कंडक्ट करता है, हीट कंडक्ट करता है। हम लोग कैसे बोलेंगे, अगर आप गैस स्टोव के ऊपर एक चम्मच रखोगे, जहां पे आप वो चम्मच जिस फ्लेम में है उसके अपोजिट एंड पे अगर आप टच करोगे तो आपको वहां पे वार्म लगेगा, गर्म लगेगा, चटका लगेगा, यानी वो हीट भी कंडक्ट करता है। मेटल क्या कंडक्ट करता है? हीट कंडक्ट करता है, यानी क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाता है थ्रू द मटेरियल। ऐसा नहीं कि इधर आप जला रहे हो और आप बोलोगे वहां पे हम लोग को कैसा वो हीट फील नहीं हो रहा, ऐसा नहीं, थ्रू द मटेरियल वो हीट जाता है। ओके, और क्या दिया है, मेटल्स लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, हम लोगों ने जो एक लेसन देखा था फिफ्थ लेसन, उसमें देखा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी क्या किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में, बाहर के शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, उसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने देखा था 2.8.1, तो सोडियम के फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 1, तो सोडियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये मेटल जनरली क्या करते हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते हैं। जनरली मेटल में देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 1 रहता है या फिर 2 रहता है या फिर 3 रहता है, तो ये नॉर्मली देने का काम करते हैं। ओके, लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। तो अगर कोई एलिमेंट या फिर कोई एटम, ओके, अगर वो निगेटिव चार्ज दे रहा है, निगेटिव चार्ज दे रहा है, यानी उसका निगेटिव चार्ज कम कर रहा है, तो उसके अंदर कौन सा चार्ज बढ़ेगा, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, यानी वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन बनाते हैं। जैसे सोडियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो आयन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, Na+, ऐसा लिखते हैं। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर Mg2+, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है तो Al3+, तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। ओके, तो ये जनरल सब प्रॉपर्टीज दिया है, अब इसको हम लोग ब्रीफ में देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल यानी जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, देख सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये आपको एग्जाम में आ सकता है 3 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए, राइट, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, या फिर कभी कभी मेटल एंड नॉन मेटल के डिस्टिंग्विश जब आते हैं तब आपको ये पता होना चाहिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो उसका यूज करके आप वहां पे डिस्टिंग्विश इजीली लिख सकते हो। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल स्टेट। ओके, यानी मेटल कौन से फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, ये सब स्टेट है। ओके, तो अंडर द ऑर्डिनरी टेंपरेचर या फिर रूम टेंपरेचर, अभी जो नॉर्मल टेंपरेचर है उसको बोलते हैं रूम टेंपरेचर या फिर ऑर्डिनरी टेंपरेचर, मेटल स्टेज इन अ सॉलिड स्टेट। जनरली मेटल कौन से फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड, आप देखो गोल्ड सॉलिड, सिल्वर सॉलिड, ओके, एल्युमिनियम सॉलिड, कॉपर सॉलिड, ओके, मर्क्यूरी सॉलिड, मर्क्यूरी सॉलिड है क्या, नहीं, मर्क्यूरी देखो, मर्क्यूरी कहां पे हम लोग यूज करते हैं, थर्मामीटर में, वो सॉलिड रहता है, लिक्विड। ओके, तो हम लोग आगे देखेंगे कुछ ऐसे है मेटल्स जो मेटल होने के बावजूद लिक्विड में होते हैं। जनरली मेटल्स कौन से फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। द मेटल्स लाइक मर्क्यूरी एंड गैलियम, ये याद रखना, कभी कभी एग्जाम में आता है, ऐसे तो मेटल्स है जिनका नाम है मर्क्यूरी एंड गैलियम। मर्क्यूरी तो आपको पता है, फैमिलियर हो आप मर्क्यूरी के साथ, तो मर्क्यूरी एंड गैलियम आर एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है। ओके, ये किस में रहते हैं, कौन से फॉर्म में रहते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। जनरली सब मेटल सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, मगर ये 2 मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, फिजिकल स्टेट में मेटल्स कौन से फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड। ओके, एंड 2 एक्सेप्शन है, मर्क्यूरी एंड गैलियम। अब ये मर्क्यूरी कहां पे दिखता है आपको, आप लोगों ने मशीन देखा होगा ब्लड प्रेशर मेजर करने का, ओके, या फिर थर्मामीटर देखा होगा, तो वहां पे आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, वहां पे मर्क्यूरी यूज करते हैं। तो आप देखो थर्मामीटर है, हम लोग घर में देखो, हम लोग का जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर लेते हैं, ओके, उसमें क्या रहता है, मर्क्यूरी, नॉर्मल थर्मामीटर, ओके, उसमें मर्क्यूरी रहता है, देखो ऊपर ऊपर की तरफ जाता है, अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी को है लस्टर, लस्टर यानी शाइन। ओके, अभी आप
अगर कॉपर यूटेंसिल देते हो तो उसको ऐसे ही रखने के बाद देखो उसके ऊपर ऐसा ब्लैक कलर आ जाता है। अगर उसको आप ठीक से घिसते हो ओके लेमन से या फिर जो हम लोग बोलते हैं पीतांबरी पाउडर जो रहता है उससे अगर आप उसको घिसोगे तो देखो मस्त शाइन आता है। देखो भगवान को जो हम लोग यूटेंसिल यूज करते हैं नॉर्मली पूजा के लिए वो कॉपर के रहते हैं, जब उसको क्लीन करते हैं तो वैसे शाइनी दिखते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, मेटल मेटल क्या कौन सा प्रॉपर्टी दिखाता है, लस्टर शाइन, गोल्ड शाइन प्रॉपर्टी दिखाता है, सिल्वर शाइन प्रॉपर्टी दिखाता है, लस्टर प्रॉपर्टी दिखाता है ओके। और उससे लाइट भी इजीली रिफ्लेक्ट होता है क्योंकि वो शाइन करता है ओके। नेक्स्ट थर्ड जो है वो हार्डनेस, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हार्डनेस। जनरली मेटल क्या रहता है हार्ड ओके, कोई भी उसको हम लोग इजीली कट नहीं कर सकते, मगर यहाँ पे दो मेटल है जिनका नाम है सोडियम एंड पोटेशियम। देखो फिजिकल स्टेट में हम लोगों ने दो का नाम लिया था मर्क्यूरी एंड गैलियम, वैसे ही इधर एक्सेप्शन है, सब मेटल हार्ड होते हैं ओके। हार्ड मतलब अपन जरा मराठी में सोचो कठिन ओके, तो ये सब जो मेटल है वो हार्ड होते हैं, मगर इसमें एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम, ये दो मेटल एकदम सॉफ्ट होते हैं ओके। कैसे सॉफ्ट, आप उसको कट कर सकते हो नाइफ से, कोई भी मेटल को आप कट कर सकते हो क्या, एल्युमिनियम को कट करोगे क्या नाइफ से, नहीं कर सकते हम लोग ओके। नॉर्मली नॉर्मल प्रेशर से एल्युमिनियम को कट कर सकते हैं हम लोग, मगर उसको ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा या फिर मशीन टूल्स यूज करना पड़ेगा ओके, कटर यूज करना पड़ेगा, मगर यहाँ पे सोडियम एंड पोटेशियम ये दो मेटल होने के बावजूद वो हार्ड नहीं सॉफ्ट है, नॉर्मल लाइफ से कट कर सकते हैं, जैसे हम लोग सब्जी कट करते हैं ओके, कैरेट वगैरह कट करते हैं वैसे उसको कट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो डक्टिलिटी ओके, डक्टिलिटी यानी वायर ओके। हम लोग मेटल का क्या बना सकते हैं, थीन वायर बना सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी ओके। अभी कौन गोल्डस्मिथ ओके, जब वो ज्वेलरीज बनाते हैं गोल्ड एंड सिल्वर का ओके, तो उसमें थीन वायर भी यूज करते हैं, तो व्हेन अ मेटल इज पुल्ड थ्रू अ होल इट इज वायर इज फॉर्म, उससे क्या बनता है वायर बनता है ओके। तो ये जो प्रॉपर्टी है मेटल का वायर फॉर्म बनने का ओके, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी, क्या बोलते हैं उसको डक्टिलिटी। नेक्स्ट जो है उसको वो है प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी मैलियबिलिटी। मैलियबिलिटी यानी क्या, अगर हम लोग किसी भी मेटल को, किसी भी नहीं बोल सकते हम लोग, ऐसे सर्टेन मेटल्स को अगर हैमर करेंगे तो वो फाइन शीट में कन्वर्ट होते हैं, क्या होते हैं फाइन शीट में कन्वर्ट होते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं मैलियबिलिटी, क्या बोलते हैं हम लोग उसको मैलियबिलिटी ओके। अ थिन शीट फॉर्म्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलियबिलिटी ऑफ मेटल ओके। ये तो याद रखना है, डक्टिलिटी यानी वायर बना सकते हैं, मैलेबिलिटी यानी फाइन शेड्स बना सकते हैं मेटल का ओके। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है सिक्स वो है कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्ट यानी लेके जाता है, हीट लेके जाता है आगे की तरफ लेके जाता है ओके। आप लोगों ने हम लोग जितने भी घर में यूटेंसिल यूज करते हैं ओके, वो क्या देखो उसको हीट अप्लाई करने के बाद वो गर्म हो जाते हैं, नीचे से हीट अप्लाई कर रहे हैं ऊपर हाथ लगाएंगे उस यूटेंसिल को तो वो हम लोग का हाथ क्या होगा जल जाएगा मे बी, या फिर चटका लगेगा हम लोग को, तो इससे क्या पता चलता है मेटल्स क्या करते हैं हीट कंडक्ट करते हैं ओके। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, अभी इसमें ज्यादा अच्छा कंडक्टर कौन है, सिल्वर कॉपर एल्युमिनियम आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर कॉपर एंड एल्युमिनियम आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ये ज्यादा हीट कंडक्ट करते हैं। देखो इसके लिए हम लोग घर में जो यूटेंसिल यूज करते हैं खाना वगैरह बनाने के लिए वो नॉर्मली देखो ये रहता है एल्युमिनियम, सिल्वर का नहीं रहता, एल्युमिनियम का तो होता है, मोस्ट ऑफ जगह पे हम लोग स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं, वो मेटल नहीं वो एलॉय ओके। तो ये दो तीन मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हीट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है, आप लोगों ने देखा होगा कॉपर वायर हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली वो क्या कंडक्ट करता है, क्या कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी इसमें क्या है देखो, लेड इज एक्सेप्शन
which is neither a good conductor of heat or nor a good conductor of electricity. ऐसे exceptions है वो आपको ठीक से याद रखना है. Okay, कभी-कभी true और false या फिर Phillips में आपको पूछते हैं. Okay, lead metal होने के बावजूद वो क्या नहीं conduct करता, heat भी नहीं conduct करता और क्या नहीं conduct करता, electricity भी conduct नहीं करता. Okay, next है density. Okay, अभी उसका weight. Okay, density. Metals have a high density. Sodium, potassium, lithium are exception. Metal का density high रहता है, यानी उनका mass थोड़ा ज़्यादा रहता है. उस इसमें भी exception है. Sodium, potassium and lithium. Okay, इनका density क्या है? कम. किससे कम है? पानी से कम है. किससे कम है? पानी से उनका density कम है. पानी का density कितना है? Almost one. तो उससे भी कम है. The density of lithium. लिथियम का डेंसिटी कितना है? ओके, 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, ये उसका डेंसिटी है 0.53. ओके, यानी पानी से, पानी का कितना रहता है? 1. तो ये 1 से कम. नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ओके, मेटल अगर उसको हम लोग क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं या फिर उसको बॉईल करते हैं, तो मेल्ट होने के बाद में बॉईल होगा. तो जनरली मेटल्स का मेटल जब सॉलिड फॉर्म में रहते हैं तो उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा. क्या रहेगा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा. इसमें भी एक्सेप्शन है. कौन? मर्क्यूरी, जो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है. नेक्स्ट गैलियम, वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है. सोडियम पोटेशियम, वो तो सॉफ्ट मेटल है. तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कम. जनरली मेटल का हाई रहता है, इनका कम है. ओके, कम टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं? बॉइल होते हैं या फिर मेल्ट होते हैं. और लास्ट है सोनोरिटी. सोनोरिटी यानी क्या? साउंड प्रोड्यूस करना. क्या प्रोड्यूस करना? साउंड. ओके, देखो स्कूल में पहले जमाने में ऐसा बड़ा सा बेल रहता था जैसे मंदिर में रहता है. ओके, अभी नहीं, अभी तो ज्यादा इलेक्ट्रिक बेल यूज करते हैं. तो सोनोरिटी या फिर हमारे घर में बर्तन गिरने के बाद साउंड प्रोड्यूस होता है. तो जितने भी मेटल है, बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? साउंड. उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है सोनोरिटी. क्या बोला जाता है? सोनोरिटी. मेटल्स आर सोनोरस एंड दे प्रोड्यूस द साउंड ऑन स्ट्राइकिंग.